बिहार में कुछ बयान आ रहे हैं बिहार में कि एक नए मंत्रिमंडल का गठन होगा। आज ही छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को कांग्रेस अध्यक्ष ने सीनियर ऑब्जर्वर बिहार के लिए नियुक्त किया है। कांग्रेस अध्यक्ष जी मल्लिकार्जुन खड़गे जी प्रयास कर रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री से बात करने का। कांग्रेस पार्टी हर कदम लेने के लिए तैयार है ताकि गठबंधन को और मजबूत किया जाए। बिहारे की नीतीशेर फेर पाला बदल, काली इंडिया छेड़े एनडीए ते नीतीश कुमार। शुक्रवार मत जा खबर पावा जाच्छे जे काली एनडीए ते जोग दिए फेर मुख्यमंत्री पदे शपथ नीते पारें नीतीश कुमार। रविवार विधायक दे संगे बैठकेर पर राजभवने गिए पदत्याग करते पारें नीतीश कुमार। सन्ध्याय फेर एनडीए एर मुख्यमंत्री हिसेबे शपथ नेबेन नीतीश कुमार। खबर सूत्रेर नीतीशेर नतून मंत्रिसभाय जोग दिते पारे चिराग पासवानेर दल एलजेपि। दिल्लीते अमित शाहर बाड़ीते जेपी नाड्डार संगे बैठक चिरागेर। अन्यदिके हिंदुस्तानी आवाम मोर्चार नेता जीतन राम माझीर संगे बैठक बिहार বিজেপি সভাপতির। বিহারে রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে পরিষদীয় দলের বৈঠক ডেকেছে আরজেডি। নজর রাখছে কংগ্রেসও। পর্যবেক্ষক করা হয়েছে ভূপেশ বাঘেলকে। অর্থাৎ বুঝতেই পারছেন বিহারের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এই মুহূর্তে কোন পর্যায়ে ও এবং কোন দিকে গড়াবে। ইন্ডিয়া জোট খাদের কিনারে, যার জন্য দায়ী কংগ্রেস, সুর চড়িয়ে দাবি করেছেন জেডিইউ নেতা কে সি তেওয়াগি। इंडिया गठबंधन टूट के कगार पर है। जिस मेहनत से, जिन इरादों से नीतीश कुमार ने इसको संगठित किया था, कांग्रेस पार्टी के गैर जिम्मेदाराना और अड़ियल रवैये ने इसको तार तार कर दिया है। पंजाब में अकाली दल और बीजेपी के साथ आने की संभावना बढ़ी है और कांग्रेस और आम आदमी के बीच झगड़े की भी संभावना बढ़ी है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी दुखी हैं कांग्रेस पार्टी के रवैये से और उन्होंने कांग्रेस पार्टी को सुझाव दिया है कि ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ वो पेश आएं। सबसे खराब हालत पश्चिमी बंगाल की है, जहां कांग्रेस के नेता टीएमसी की चुनी हुई सरकार को राष्ट्रपति शासन के हवाले करना चाहते हैं और अब टीएमसी ने राहुल गांधी जी की यात्रा को इजाज़त न देकर के विवाद और बढ़ा दिया है। जो गठबंधन इंडिया का हमने तैयार किया था वो अब तार तार हो चुका है और अपने विघटन की तरफ। এদিকে নীতিশ কুমারের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করছেন মল্লিকার্জুন খড়গে। ইন্ডিয়া জোট মজবুত করতে বদ্ধপরিকর কংগ্রেস, এমনটা দাবি করেছেন জয়রাম রমেশ। বিহার মে कुछ बयान आ रहे हैं बिहार में कि एक नए मंत्रिमंडल का गठन होगा। आज ही छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को कांग्रेस अध्यक्ष ने सीनियर ऑब्जर्वर बिहार के लिए नियुक्त किया है। कांग्रेस अध्यक्ष जी मल्लिकार्जुन खड़गे जी प्रयास कर रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री से बात करने का। कांग्रेस पार्टी हर कदम लेने के लिए तैयार है ताकि गठबंधन को और मजबूत किया जाए। बिहारे राजनैतिक अस्थिरता प्रसंगे कुणाल घोष बोलछेन बीजेपी संगे जारा थाकबे तादेरी विपद। बीजेपी एइटुकु जेने रखते पारे सारा देशे बीजेपीर बिरुद्धे हावा चलछे। बीजेपीर आर्थिक नीति, বিজেপির সামাজিক নীতি সবই মানুষ প্রত্যাখ্যান করছেন। ফলে এখন বিজেপি বিরোধী দলগুলি যে যেখানে শক্তিশালী, মানুষ তাদের ভোট দিতে চলেছেন। ফলে বিজেপির উল্লাসের কোনো কারণ নেই। বিজেপি আর বিজেপির সঙ্গে থাকা যারা থাকবে তাদের বিপদ। বিজেপির বিরুদ্ধে যারা লড়াই করছেন, যে যেখানে শক্তিশালী, মানুষ তাদের ভোট দেবে।